So Mitha, till now we have discussed that the fibrous protein are insoluble in water. Now why they are insoluble in water? The reason is that because they have the strong intermolecular forces. ठीक है, इनके दिल में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन एज वेल. ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज हैव द वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दे कैन क्रिस्टलाइज, और सेकेंडली के दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, देन बेटा सेंसिटिविटी आती है, तो एज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो यू कैन से दैट दे आर नॉट वेरी मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर, not very sensitive to temperature and pH. ठीक है, लाइक आप अगर देखें कि आपके नेल्स हैं विच इज मेड अप ऑफ द केराटीन एंड केराटीन इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. ठीक है, सो ये जो आपकी प्रोटीन है इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, ना ही ये क्रिस्टलाइन हो सकती है. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इसके जो एमिनो एसिड्स हैं उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सो आप ये कह सकते हो कि ये सेंसिटिव भी ज़्यादा नहीं है टेम्परेचर पे या पीएच पे. ठीक है, आपका जो नेल्स हैं वो किसी भी टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी बॉडी उसको जो है वो उस पर सर्वाइव कर सके. ठीक है, इसी तरह पीएच पे भी ये बहुत ज़्यादा एकदम से सेंसिटिव नहीं हो जाते हैं. ठीक, बट स्टिल दे आर सेंसिटिव बट नॉट वेरी मच सेंसिटिव. के डालते साथ अब जैसे एंजाइम की पीएच होती है कि अगर वो टू पे काम करने हैं तो अगर टू से थ्री हो जाए तो वो फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, सो इस तरह से इतनी ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं होते हैं. व्हाइल दे आर वेरी सेंसिटिव, तो क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि इनके दरमियान में एक तो इंटरेक्शन बहुत वीकर है, दूसरा ये सॉल्युबल होते हैं, तो ये आराम से जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये डिसहोल्ड कर देते हैं. ठीक है, देन बेटा अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स देखें, जो फाइब्रस प्रोटीन है अगर आप उसकी एग्जाम्पल देखें तो आपके पास है केराटीन, कोलेजन जो कि आपकी बोन्स या जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं कॉटिलेज टाइप के. ठीक है, इस तरह के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब आपके पास जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं. ठीक है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में अगर आप देखें तो आपके जो इंजाइम्स हैं स्पेशली वो, और जो हार्मोन लाइक हैं आपके प्रोटीन्स के जो हार्मोन्स हैं वो, जैसे कि इंसुलिन है या इंसुलिन के अलावा ऑक्सीटोसिन टाइप वगैरह जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब जो है वो आपके पास क्या होते हैं? ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं. ठीक, देन बेटा एक और आपके पास एग्जांपल है जिनको आप एंटीबॉडी यानी डिफेंसिव प्रोटीन्स कहते हैं. सो दीज आर ऑल ग्लोबुलर इन नेचर एंड दे आर हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस. सो वी कैन से दैट द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर यूजली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक फंक्शंस व्हाइल दीज आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सो बेटा हमने राइबोसोम्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स, यानी वो एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और ट्रांसलेशन के रिस्पॉन्स में आपके पास बनता है पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि मेनी अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक, लेकिन ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है दिस इज अ सिंपल चेन ऑफ अमीनो एसिड. नाउ दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, यानी पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन जो बनता है तो पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्मड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. व्हाई? बिकॉज़ पॉलीपेप्टाइड हैज टू अंडरगो अंडर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, यानी ट्रांसलेशन के बाद की मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसमें प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स अरेंज होकर डिफरेंट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि पॉलीपेप्टाइड से बनेगा. सो बेटा इफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी ये जस्ट आपके पास अभी ट्रांसलेशन के रिस्पॉन्स में बना है, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर. एंड दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज अ लीनियर शेप एंड इट रेफर्स टू नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, जैसे हमने कहा कि हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होती हैं, अगर वो नॉर्मल है तो उसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होगा, अगर वो सिकल शेप हो गया तो ग्लूटामिक एसिड को वैलिन जो है वो रिप्लेस कर देगा. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास ये तीन अमीनो एसिड हैं सपोज किसी भी प्रोटीन के अंदर या किसी भी पेप्टाइड चेन के अंदर, तो ये आपके पास है ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन. ठीक है, सो इट रेफर्स टू द नंबर, यानी नंबर कितने हैं? 3. ठीक है, एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सो इन विच सीक्वेंस दे आर प्रेजेंट. सो अगर आप फर्स्ट प्रोटीन देखें तो इट इज ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन, बट इन द सेकेंड प्रोटीन ऑल्दो द कंपोजिशन ऑफ द अमीनो
यहाँ पे भी वही तीन अमाइनो एसिड है, यहाँ पे भी वही तीन अमाइनो एसिड है. सो द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर सेम बट देयर सीक्वेंस इज डिफरेंट. ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर जस्ट टेल्स अस अबाउट द नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. अब आपको यहाँ से पता चल जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि आइदर वी हैव द नॉर्मल फंक्शनल और एबनॉर्मल और डिसफंक्शनल प्रोटीन. ठीक है, देन वी जाएं कि दरमियान में जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अच्छा सेकेंड हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो यू हेलिकल फॉर्म में हो जाता है इस तरह से. ठीक है, सो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड यानी दीज टू चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरली क्वाइंड और फोल्डेड. ठीक है, यानी वो इस तरह स्पाइरली क्वाइंड हो जाए दोनों प्रोटीन आपस में चेन्स आपस में या फोल्ड हो जाए तो उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर एल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स. ठीक है, एल्फा हेलिक्स यानी अगर आपको रॉड नजर आ रहा है क्वाइंड जैसे आपके डीएनए में होते हैं तो उसको आप एल्फा हेलिक्स कहते हैं, लेकिन अगर वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बीटा हेलिक्स कहा जाता है. ठीक है, अच्छा और दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा क्योंकि आपके पास चेन जो बन रही है जो पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है. ठीक है, बट अलोंग विद दैट इसमें आपके पास प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होगा, देखिए इस साइड का अमाइनो एसिड और इस साइड का अमाइनो एसिड दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे फॉर्म अ क्वाइंड शेप, दे फॉर्म अ फोल्डेड स्ट्रक्चर. सो इनके दरमियान में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. ठीक है, जो कि इन दो के दरमियान में बनेगा एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान में. ठीक है, सो ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के जब एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो आप उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, देन थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर. व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर अरेंज इनटू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी अगर आपके पास ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये थ्री डायमेंशन पे अरेंज हो जाए इस फॉर्म में तो आप इसको बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, फाइब्रस भी हो सकता है, ग्लोबुलर भी हो सकता है और इनके दरमियान में जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस या डाइसल्फाइड लिंकेज. आपने याद रखना है डाइसल्फाइड सिर्फ उनमें बनेगा जिनमें अमीनो एसिड 16 प्रेजेंट होगा. ठीक है, क्योंकि उसमें सल्फर होता है तो सल्फर की सल्फर के साथ लिंकेज हो जाती है. हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. सो आप इतना अगर याद करें बल्कि आपने तो शायद ना पढ़ा हुआ हो मायोग्लोबिन के बारे में. मायोग्लोबिन जो है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन को स्टोर करने के काम आती है. ठीक है, ये मायोग्लोबिन जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है लेकिन इसके दरमियान में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है मेटल एटम जिसको आप सेंट्रल हीम या आयरन कहते हैं. ठीक है, इस आयरन के साथ जो इस प्रोटीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको आप इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहेंगे. सो वी कैन से दैट डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे अगर आपके पास वो भी है इवन आपने क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें सेंट्रल मैग्नीशियम होता है तो वो भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेगा उसको भी आप इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहेंगे. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी तीन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड डाइसल्फाइड लिंकेज. जबकि लास्ट जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आती है दिस इज कॉल्ड द क्वॉटरनरी ऑर्गेनाइजेशन और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोटीन की चेन्स जैसे अभी हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था कि अल्फा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं. सो टू आर मोर इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन टू आर लार्जर मॉलिक्यूल तो कॉम्प्लेक्स या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनते हैं. यही वाली फोर्सेस उनमें भी प्रेजेंट होंगी लेकिन एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी हीमोग्लोबिन की. ठीक है, सो बेटा लास्ट में हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. सो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो है वो डिफरेंट होते हैं. अब क्या क्या फंक्शंस जो है वो प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं. सो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो है वो प्रोटीन्स के हैं. फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो देखिए हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं तो आप लिख सकते हैं कि केराटिन जो है वो नेल्स बनाती है, हेयर्स में प्रेजेंट होती है. इसके अलावा जो कोलेजन है वो बोन्स और कार्टिलेज बनाती है. ठीक, फिर आपके पास मेटाबॉलिक फंक्शंस आते हैं. सो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं
वो परफॉर्म होते हैं एंजाइम्स के थ्रू, और एंजाइम्स जो हैं वो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एंजाइम का नाम आप लिख के आओगे आप उसका फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। ठीक, देन आपके पास आता है ट्रांसपोर्ट। सो अभी जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी थी, सो ट्रांसपोर्ट में आपके पास हीमोग्लोबिन आता है और ये हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देन हमारे पास स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट जो आपके मिल्क है जैसे स्पोज उसमें प्रेजेंट है, तो ये आपकी प्रोटीन है जिसको कैसीन प्रोटीन कहा जाता है। ये मिल्क में प्रेजेंट होती है और एज अ स्टोरेज रोल प्ले करती है। ठीक है, देन हमारे पास आती है रेगुलेटरी फंक्शंस। तो रेगुलेटरी फंक्शंस जो है वो यूजुअली आपके हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं, सिग्नलिंग में को कह सकते हैं। अच्छा, सिग्नलिंग फंक्शंस, तो ये आपके हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। इनमें आपके पास एग्जांपल आती है इंसुलिन की, ये क्या रेगुलेशन करता है, सो ये एन नंबर ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ठीक, अच्छा, देन आपके पास पैकेजिंग का रोल आता है। तो पैकेजिंग में बेटा अभी आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि आरएनए जो है प्लस प्रोटीन ये मिलके दोनों बनाते हैं या स्ट्रक्चर को पैक करते हैं किस फॉर्म में, राइबोसोम्स में। ठीक है, सो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ अगर आरएनए कंबाइन हुआ है तो आपके पास राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। हाँ, अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन हुए हैं या पैक्ड हुए हैं तो ये आपके पास फॉर्मेशन करेंगे क्रोमोसोम्स की। ठीक है, सो दीज आर पैकेजिंग रोल के ये डीएनए या आरआरएनए को पैक होने में हेल्प करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट रोल हमारे पास आता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स का। सो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपने दो तरह के पढ़े थे, एक आपके पास फ्लैजिला था सीलिया था, लेकिन आप वही देखें अगर आप सपोज फ्लैजिला को ही देखते हैं तो फ्लैजिला बैक्टीरिया में बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन के साथ और यूकेरियोट्स में बनता है ये पिट्यूटरी प्रोटीन के साथ। ठीक है, सो या सीलिया भी जो है वो पिट्यूटरी प्रोटीन से बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये आपके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे बॉडी में डिफरेंट जो आपके प्रोटीन्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको डिफेंसिव कहा जाता है। सो डिफेंसिव रोल जो है ये परफॉर्म करते हैं आपके इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स आपके एंटीबॉडीज होती हैं, सो दीज आर एंटीबॉडीज। इसके अलावा आपकी मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होती है जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जो रोल प्ले करते हैं वो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा भी आपने रोल पढ़े थे कि जो वो है क्या कहते हैं आपकी जो प्रोटीन है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीजन रिसेप्टर्स का काम करती है या हार्मोन रिसेप्टर्स का, सो आप इसमें एक और रोल भी इसका लिख सकते हो कि इट फॉर्म्स द रिसेप्टर्स साइट्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में रिसेप्टर साइट्स बनती हैं। ठीक है, सो दैट वर अबाउट अच्छा एक और रोल भी ऐड कर लें कि कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शंस होती हैं जो आपने साइटोस्केलेटन में पढ़ा था कि एक्टिन और मायोसिन जो हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल रोल प्ले करती हैं और ये दोनों भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इन दोनों का रोल क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, सो आप देखिए बेटा कि हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वन हो गया, मेटाबॉलिक फंक्शंस टू, ट्रांसपोर्ट थ्री, स्टोरेज फोर, रेगुलेटरी या सिग्नलिंग फाइव, पैकेजिंग सिक्स, लोकोमोटरी सेवन, डिफेंसिव एट, ट्रांसपोर्ट ये वाली नाइन, रिसेप्टर साइट्स टेन और इलेवन आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शंस। ठीक है, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ प्रोटीन आए तो ऐसा बात आता है, लेकिन आपने फिर इन सब का रोल जो है वो डिटेल में लिखना है। और अगर आपको कोई और रोल अपने उस टॉपिक से रेलेवेंट याद हो तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
सो हमने प्रोटीन्स का टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने ये कहा कि इसकी कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से तो लास्टली होती है, इसके अलावा सम अमीनो एसिड के अंदर सल्फर भी होता है जैसे कि सिस्टीन में, ठीक है। फिर आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा कि आर ग्रुप डिफरेंट होता है बाकी सब सेम होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है जो कि एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान में बनता है, फिर एमाइन ग्रुप जो है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो दोनों स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। देन आपने इसमें सीक्वेंस देखा कि अगर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन की शेप या प्रोटीन का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे जस्ट ग्लूटामिक एसिड अगर वेलिन से रिप्लेस हो जाए तो नॉर्मल आरबीसी जो है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ी, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखी कि हमारे पास फोर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टनरी, ठीक है। और फाइनल आपने उसके इन सब के फंक्शंस पढ़े कि वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज हमारे पास ये इसके फंक्शंस होंगे। अब लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी जो है वो डी टाइप कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करती है, तो आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करती है उसमें एल टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एल टाइप अमीनो एसिड्स का क्या मतलब कि इसका जो सी डबल ओ एच ग्रुप होगा ये आपके पास राइट हैंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो आपके पास राइट हैंडेड वाले हैं वो आपके डी एलानीन आ जाएंगे, यानी आप अमाइन ग्रुप को भी ले सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड पे है तो ये एल एलानीन है और अगर ये राइट हैंड पे है तो इसको आप डी एलानीन कहेंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे भी आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, सो याद रखिएगा कि एल टाइप अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी में या मैमल्स की बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं और डी टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं ये खाली बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टिफ होती है और हम उसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स।